वेलकम टू फूड डॉग फार्म। मेरा नाम है जी रविंदर सिंह। लैके आए हाँ जब एक नवा एपीसोड, तो अज का अपना एपीसोड है पग डॉग के बारे। आओ थोनों पहले अपने पग डॉग के नाम मिला, फिर थोड़े ना साझिया करा इस कुछ खास गल्ल। आ जाओ पग। जो ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा पुरानी ब्रीड है, तो इसका जो ओरिजिन है वह चाइना तो होया सी। चाइना दे विच इसनू पहला काफ़ी ज़्यादा नामों नाल बुलाया जाता सी। इन्हां विचों कुछ फेमस नाम सी जिवें कि चाइना पग ते डच बुलडॉग। तो अजकल इंडिया दे विच भी यह ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, तो शहरां दे विच इसनू रखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। यह जो ब्रीड है हाइट दे विच काफ़ी ज़्यादा छोटी हुंदी है, तो हाइट के अकॉर्डिंग इसका फेस काफ़ी ज़्यादा वड्डा होंदा है। तो इसकी टेल हमेशा छोटी दे राउंड दे विच रहिंदी है, तो इस दे फेस के उपर काफ़ी ज़्यादा रिंकल होंदे ने। और थोड़ा मैं इसके रिंकल भी दिखा सकदा कि इसके फेस के उपर किवें रिंकल पैंदे ने। तुसीं देख सकते हो कि इसकी टेल भी छोटी है, राउंड है, तो इसका जो फेस है उसके उपर भी काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स ने। अगर तुसीं कोई भी पग बाय करना चाहते हो तो थानू सिर्फ इन दोनों गल्लों का खास ध्यान रखना पैना है कि इसकी टेल छोटी होवे, राउंड दे विच होवे, ते इसके फेस के उपर भी काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स पैंदे होण। जिमें कि तुसीं देखिया ही है कि पग की जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा छोटी हुंदी है, पर छोटी होण दे नाल नाल यह ब्रीड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग भी हुंदी है। तो इसका प्लस पॉइंट यह भी है कि यह ब्रीड अग्रैसिव तो बिल्कुल भी नहीं हुंदी, ते जिसका थोनों फायदा है कि तुसीं इस ब्रीड नूं अपनी फैमिली दे विच आसानी दे नाल रख सकते हो। जेकर थोड़ी फैमिली दे विच छोटे बच्चे भी ने तां इह उहनां नाल भी बहुत ही जल्दी फ्रेंडली हो के रहन लग जाती है, जो कि थोड़े लिए बहुत ही वधिया गल है। तुसीं इस ब्रीड नूं किसी भी अपार्टमेंट दे विच आसानी दे नाल रख सकते हो, चाहे वह अपार्टमेंट छोटा है चाहे वड्डा है, यह उसके अकॉर्डिंग अपने आप नूं एडजस्ट कर लैंदा है। जेकर तुसीं इस ब्रीड नूं किसी समाल अपार्टमेंट दे विच रखते हो तां थोनू सिर्फ कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखना पैना है कि इस ब्रीड नूं रोज़ एक्सरसाइज करवानी पवेगी, तो वॉक ते लेकर जाना पवेगा तां जो यह हैल्दी रहे ते हमेशा फिट रह सके। हुण आपां गल करदे हां डाइट दे बारे। पग दी जो डाइट है बाकी ब्रीड्स दे नालों काफ़ी ज़्यादा घट हुंदी है। जरूरी नहीं है कि तुसीं इस नूं डॉग फूड ते ही पालना है, तुसीं इस नूं घर दी नॉर्मल डाइट ते भी आसानी दे नाल पाल सकते हो। बस डाइट देन लगे एक गल दा ध्यान रखना है कि तुसीं इस नूं ओवर डाइट नहीं देनी, क्योंकि यह ब्रीड बाकी ब्रीड्स दे नालों बहुत ही जल्दी वेट गेन कर लैंदियां ने, ते यह ब्रीड बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती है। इस करके तुसीं हमेशा इस नूं प्रॉपर डाइट ही देनी है ताकि यह हमेशा हैल्दी रह सके। जेकर आपां गल करिए वैदर दी, तां तुसीं इस ब्रीड नूं ज़्यादा ठंडे मौसम दे विच भी नहीं रख सकते। जेकर तुसीं इस नूं ज़्यादा ठंडे मौसम विच रखोगे तो इस नूं कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, तो तुसीं इस नूं ज़्यादा गर्मियां दे विच भी नहीं रख सकते। अगर तुसीं इस नूं ज़्यादा गर्मी दे विच रखोगे तो इस दे विच ब्लीडिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस करके जेकर तुसीं पग रखना चाहते हो तो थोनों वैदर का भी बहुत ही खास ध्यान रखना पवेगा। जेकर तुसीं यह डॉग रखा होया है तो तुसीं इस नूं हमेशा अपने घर के अंदर ही रखो ताँ जो यह हमेशा हैल्दी रह सके। हुण आपां गल करदे हां मेंटेनेंस दे बारे। पग डॉग नूं मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हुंदा है, तो इसकी ग्रूमिंग करनी भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हुंदी है, बट इन्हां दे फेस दे उपर जो रिंकल्स हुंदे ने उन्हां नूं चंगी तरह साफ करना पैंदा है। अगर इन्हां दे अजीब फेस होण करके अगर तुसीं इसकी सफाई नहीं करोगे तो इन्हां नूं आइज प्रॉब्लम भी आ जांदियां ने। इस करके इन्हां दे फेस दे रिंकल दी साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए ता जो हमेशा हैल्दी रहन। ते हुण अपना अगला पॉइंट आ गया जी ट्रेनिंग। तुसीं अपने पग नूं घर दे विच नॉर्मल ट्रेनिंग अपने आप ही दे सकते हो, जिवें कि सिट जां हैंडशेक करना तुसीं आप ही सिखा सकते हो। तो नॉर्मल ट्रेनिंग दे लई थानू किसी ट्रेनर की भी लोड़ नहीं पवेगी, जिस नाल कि थोड़े पैसे भी बचणगे। अगर तुसीं इस नूं ट्रेनिंग दे रहे हो तो तुसीं अपने डॉग नूं ट्रीट जरूर दो ता जो उसका ट्रेनिंग दे विच इंट्रस्ट भी बनिया रहे। हुण आपां गल करदे हां पग दे बिहेवियर दे बारे। पग दा जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हुंदा है,
ਤੇ ਇਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਚ ਡੌਗ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰੀਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਚ ਡੌਗ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰੀਡ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬਰੀਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੱਗ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 14 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਈਫ। ਪੱਗ ਦੀ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੀਡ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।